तो कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। बहादुरगढ़ दौरे पर पहुंचे ओपी धनखड़ ने कहा कि प्रदेश भर के किसानों को जल्द बिजली विभाग द्वारा ट्यूबवेल कनेक्शन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश स्तर पर टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसके पूरा होते ही हजारों किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन मिल जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस बार ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए किसान के सामने 5-स्टार बिजली की मोटर, माइक्रो इरिगेशन और अंडरग्राउंड वाटर पाइपलाइन दबाने की शर्त रखी गई, जो कि किसानों के हक में है। ट्रेंडिंग सारे जारी कर दिए हैं, कुछ शर्तें लगाई गई हैं जिससे बिजली कम खर्च हो और जिससे पानी भी कम खर्च हो, और उसका भी हम किसानों को निवेदन कर रहे हैं कि वो समझें कि हरियाणा का पानी का बजट घाटे का है और बिजली में भी तकलीफें आपको मालूम है 7,000 करोड़ सालाना देता है, तो बिजली एफिशिएंट मोटर्स लगाने की बात है और इसके साथ साथ माइक्रो इरिगेशन और 90% तक सब्सिडी दे रही है हरियाणा सरकार माइक्रो इरिगेशन। हरियाणा सरकार ने 31/12/2018 तक जिन उपभोक्ताओं ने अप्लाई किया हुआ है उनके कनेक्शन जारी करने के आदेश दिए गए हैं, जिसमें से बहादुरगढ़ डिवीजन के तहत 165 अप्लीकेशन हमारे पास थी, जिसमें से भूपनिया में 90 और सब अर्बन सब रीजन बहादुरगढ़ में 40। 165 में से 130 उपभोक्ताओं ने कंसेंट मनी जो 30,000 रुपये वो जमा करवाए हैं। हरियाणा उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा टेंडर प्रक्रिया जारी की गई है, जो ही उसके टेंडर छोड़ जाएंगे तो कनेक्शन बहुत जल्दी दे दिए जाएंगे।